जो मेरी मैरिज नहीं हुई सी उदो भी मेरा शुरू तो ही इंटरेस्ट सी भी मैं एज ए टीचर ही काम करना है तो टीचर ही बनना है। बाकी जेरे पेरेंट्स आ वह तो अपने बच्चे स्कूले पा देंगे किसी भी चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी दे विच हुण जेहड़े ये गरीब बच्चे आ ये कितने नहीं जा सकते पढ़न। जॉब छड्डण दी जरूरत क्यों पई क्यों लग्या कि बच्चे नूं उत्थे ना पढ़ा के इत्थे पढ़ाया जा। स्कूल का टाइम तो उही चाहिए मॉर्निंग दे विच तां इन्हां बच्चों भी यह लगे कि असी भी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है जिवें बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्होंने स्कूल वाला इनवायरमेंट देने का मेरा फर्ज बनता सीगा तां मैं अपना जॉब छड्ड के इन्हां नूं स्कूल वाला इनवायरमेंट दिता। इन्हां दे पेरेंट्स नूं मैं जाके मिली परसनली इन्हां नूं कहा भी देखो बच्चे हुण इंज फिरदे आ तुसीं मेरे कोल भेजो नहीं तुहानूं पसंद है कि बेशक ना भेजियो। फिर दो बच्चे आए चार बच्चे आए इन्हों देख देख के हूँ आले दुआले सारे बच्चे मेरे को आने लग गए हैं तो हूँ मेरे को स्ट्रेंथ बच्चों की 65 हो गई है। उन्हों का रिस्पोंस तो थोड़ा नैगेटिव सीगा वो नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़न क्योंकि वो पहला कह देंगे भी साढ़े को इन्नी फाइनैशियली है नहीं भी असं इन्हों रोटी खवाईए कि स्कूले पाइए। मैं क्या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पढ़ाऊंगी तुम बच्चे बस भेजो तो स्टेशनरी का खर्चा यूनिफॉर्म का खर्चा इन्हों का जो भी खर्चा स्टडी का वो मैं आप अपने हाथ करती हूँ। द समर न्यूज़ देख रहे हो तुसी मैं तमन्ना बेदी। कहिंदे ने जेकर कुछ करन दा जज्बा होवे तां राह विच किन्नियां ही औकड़ां क्यों ना आन मेहनत सदका इंसान अपनी मंजिल मुकाम नूं हासिल कर ही लैंदा। अज तुहानूं एक अजिहे शख्स नाल मिलवाण जा रहे नाम है शांति तिवारी। ये महिला वो ने जिन्हां ने एक बीड़ा चुकिया सी बीड़ा चुकिया गरीब बच्चों नूं सिक्ख्या मुहैया कराउण दा। मेरे नाल मौजूद ने गलबात करदे किस तरह इस सफ़र की शुरुआत हुई किस तरह एक ख्याल आया गरीब झुग्गी चोपड़ी के बच्चे जड़े ने उन्हां नूं मुफ्त सिक्ख्या देण दा ये सफ़र किस तरह शुरुआत हुई कि औकड़ां आईयां गलबात करदे हां। तो मैम सब तो पहला तुहाडा बहुत स्वागत बहुत वधिया काम कर रहे हो यकीनन कह जांदे कि सिक्ख्या दा दान बहुत वड्डा दान हुंदा है ठीक है महादान कहा जाता है लेकिन सिक्ख्या दे दान दी सफ़र की शुरुआत किस तरह हुई मुफ्त सिक्ख्या तुसी मुहैया करा रहे हो गरीब बच्चों जो कि स्कूल का जिन्होंने कभी मुँह नहीं देखा होएगा उन्होंने तुसी ये सिक्ख्या जिहड़ा की है मुहैया करवा रहे हो किस तरह पहला इस सफ़र की शुरुआत हुई। इस सफ़र की शुरुआत तो मेरी अनमैरिड टाइम तो हुई है जो मेरी मैरिज नहीं हुई सी उदो भी मेरा शुरू तो ही इंटरस्ट सी भी मैं एज ए टीचर ही काम करना है तो टीचर ही बनना है। तो मैं अपने पेरेंट्स नूं भी यही गल कही थी मैं कि पापा जो कुछ भी मर्जी करो मैं टीचिंग दे लाइन दे विच ही जाना है मेरा इंटरस्ट शुरू तो सीगा तो इस करके मैं टीचिंग का प्रोफेशन चूज़ किया। तो पहला जो मैं हूँ आफ्टर मैरिज लुधियाना आई हाँ तो इतने मैं प्राइवेट स्कूल के एज ए टीचर काम किया है। तो जो मैं इन्हों बच्चों देखा जेडे गरीब तबका के है ये इंज ही फिरदे सीगे तो मैं थोड़ा फील हुंदा सीगा कि बाकी जेरे पेरेंट्स आ वह तो अपने बच्चे स्कूले पा देंगे किसी भी चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी दे विच हुण जेहड़े ये गरीब बच्चे आ ये कितने नहीं जा सकते पढ़न। फिर मेरे मन च थोड़ा होया भी हाँ इन्हां बच्चों नूं भी पढ़ाना चाहिए इन्हां नूं भी शिक्षा का अधिकार हैगा आ। ठीक है तो फिर तां मैं अपने मन च ये बना लिया कि मैं हुण इन्हां गरीब बच्चों नूं पढ़ाना तो मैं अपना प्राइवेट जॉब छड्ड के इन्हां दे विच लगी हुण मैं अपना प्राइवेट जॉब छड्ड के तुसी खुद ते बिहाफ ते जिहड़ा कि बच्चों नूं पढ़ा रहे हो जॉब छड्डण की जरूरत क्यों पई क्यों लग्या कि बच्चों नूं उत्थे ना पढ़ा के इत्थे पढ़ाया जा सके। नहीं जॉब छड्डण की जरूरत इस करके पई क्योंकि मैनूं पता है बहुत गरीब बच्चे ने ये स्कूल नहीं जा सकते तो आफ्टर स्कूल जो मैं इन्हों करानी हाँ वो ईवनिंग टाइम हो जाता सीगा तो हुण ये बच्चे फिर स्कूले नहीं आणगे तो स्कूल का टाइम तो उही चाहिए मॉर्निंग दे विच तां इन्हां बच्चों नूं भी ये लगे कि असी भी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है जिवें बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्होंने स्कूल वाला इनवायरमेंट देने का मेरा फर्ज बनता सीगा तां मैं अपना जॉब छड्ड के इन्हां नूं स्कूल वाला इनवायरमेंट दिता ताकि ये भी फील कर सके जिवें बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये भी बैग लैके जाण स्कूल आन पढ़ाई होवे रिसेस होवे तो बच्चे जो गेम का पीरियड था तो गेम्स भी खेलन इन्हां दी खुशी वास्ते ही मैं अपने जॉब छड्डी। गल की जाए सिक्ख्या दा तुसी जो ये बीड़ा चक्या बच्चों सिक्ख्यत करन दा बहुत वड्डी एक जिम्मेदारी है जो तुसी उन्हां दा एक भविख सवार रहे हो कहिंदे एक बच्चे नूं पढ़ाओ तो उन्हां दा भविख सवरदा किन्नियां कु औकड़ां आईयां जदों सफ़र की शुरुआत हुई तो अज किस तरह चल रहा। नहीं स्टार्टिंग दे विच तां मैनूं थोड़ी प्रॉब्लम आई है क्योंकि जो मैं ये काम शुरू करया उदो मेरे को चार या पाँच हार्डली बच्चे सीगे हुण डे बाय डे मेरे को बच्चे वधी जा रहे हैं हुण अज दी डेट विच मेरे को है 65 स्टूडेंट 65 स्टूडेंट नूं मैं हुण इन्हां नूं करवा रही हाँ ए टू जेड करवा रही हाँ जीरो तो लैके क्लास लैके मैं फिफ्थ तक सारे सबजैक्ट मैं आप ही इन्हां नूं टीच करवाउंदी पई हाँ। तो बाकी पहला तो ये दो चार बच्चे आए फिर इन्हां दे पेरेंट्स नूं मैं जाके मिली परसनली इन्हां नूं कहा भी देखो बच्चे हुण इंज फिरदे आ तुसीं मेरे को भेजो
नहीं तुहानू पसंद है कि बेशक ना भेजियो। फिर दो बच्चे आए, चार बच्चे आए, इन्हों देख देख के हूँ आले दुआले सारे बच्चे मेरे को आने लग गए हैं। तो हूँ मेरे को स्ट्रेंथ बच्चों की 65 हो गई है। जो पहला गए पेरेंट्स के कोल उन्होंने मनाया कि हाँ पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए बच्चों, तो उन्होंने रिस्पोंस कि रहा? नहीं, उन्होंने रिस्पोंस तो थोड़ा नैगेटिव सी, नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़न, क्योंकि वो पहला कह देंगे भी साढ़े को इन्नी फाइनैशियली है नहीं भी असं इन्हों रोटी खवाइए कि स्कूले पाइए। पढ़ाना चाहते? हाँ जी, पढ़ाना तो चाहते थे पर उन्होंने कोल इन्ना नहीं सी। तो वो कहें भी तुम रहन दो भी मेरे बच्चे काम करे। तो मैं क्या नहीं, काम नहीं करवाना, तुम बच्चे हजे छोटे आ। मैं क्या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम बच्चे बस भेजो, तो स्टेशनरी का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, इन्हों का जो भी खर्चा स्टडी का, वो मैं आप अपने हाथ कर दी हाँ। हाँ जी, ताड़े वालों सारा खर्चा जरा चक्या हाँ जा रहा है। मैम तुम्हारी गल करिए, प्राइवेट जॉब भी करते रहे, हूँ भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो मतलब एजुकेशन कितों तक रही है? मेरी एजुकेशन, मैं एम ए बी एड हैगी है, तो इसी बेस से मैं प्राइवेट स्कूल एज ए टीचर लगी भी सी। नहीं मेरी, मैं मतलब मैं एन मेरे टाइम फगवाड़े की हैगी हाँ, उत्थे भी मैं टीचिंग किया है, तो आफ्टर मैरिज लुधियाने मैं इतने भी टीचिंग की है। हाँ जी, स्कूलों की गलबात कर रहे हैं, आप स्कूलों के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ने, उन्हों का एक नवा सैशन की शुरुआत होने वाली, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो तुम भी बच्चे पढ़ा रहे हो, तो उन्होंने भी एक साल पूरा हो गया, नवा सिलेबस होएगा, नवी सब कॉपिया किताबा बच्चे जिम्मे स्कूलों लेंगे ने, तो की जरूरत तुम्हें लगता कि हूँ तुम पैनगी है, क्योंकि इन्होंने बच्चों की भी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत पैनी है जी। न्यू सैशन अपना शुरू होएगा अप्रैल तो, जिमें बाकी स्कूलों अप्रैल तो न्यू सैशन शुरू हों, अपना भी नवा ही शुरू होएगा अप्रैल तो। हूँ इन सू जिधर बाकी स्कूल के बच्चों यूनिफॉर्म चाहिए है, स्कूल की बुक्स चाहिए है, स्टेशनरी का समान चाहिए है, उस तरह मेरे बच्चों भी चाहिए है, स्कूल का समान सारा चाहिए, स्टेशनरी का चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो इन सारे वास्ते मैं अरेजमेंट करने में लगी हुई हाँ भी इन्हों भी मैं प्रोपर यूनिफॉर्म देव, प्रोपर ये यूनिफॉर्म के आन, ताकि इन्हों भी वो फील आए कि हाँ बाकी वो बच्चे स्कूल जा रहे तो मैं भी स्कूल जा रही हाँ। हाँ जी, यानी कि पूरा उन्होंने उही एनवायरमेंट तुम जरा कि देना चाहते हो। सरकार दे वालों कहा जाता कि सिक्ख्या के उत्ते काम किया जाएगा, हूँ भी मौजूदा सरकार दे वालों जो कहा जाता कि सिक्ख्या नूं वधिया बनाया जाएगा, उन्हों का लैवल चुकया जाएगा, स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा, इतों तक कि बजट के विच भी 12% सिक्ख्या नूं लैके वाधा जिहड़ा कि है बजट विच किया गया। तुहाडे वालों कोई मंग किसी NGO नूं लैके सरकार नूं लैके अपनी रखी गई होवे, साडी इह जरूरत है सारी हेल्प की जाए? मैं सब तो पहला तो 3-4 महीना पहला असी DC दफ्तर गए थे, एप्लीकेशन दे के आए भी है भी बच्चों एटलीस्ट जिहड़ी जरूरत की चीज़ है वो अरेंजमेंट वास्ते कुछ हेल्प की जाए, तो बच्चों का जिहड़ा हुण मैं किसी दी जगह पर पढ़ा रही हूँ बच्चों, क्योंकि वो साड़ी अपनी कोई जगह नहीं है। सिटिंग दी गल? हाँ जी, सिटिंग दी गल करदी पई हां, ते मैं यही उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की भी बच्चों के वास्ते उन्होंने बैठन वास्ते थोड़ी जगह का अरेंजमेंट किया जाए, उन्होंने जिहड़ी जरूरत है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, ये सारा कुछ अरेंजमेंट करवाया जाए। क्या कि DC मंग पत्र दिता कि उसते कोई कार्रवाई? नहीं, हजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कोई रिस्पोंस नहीं हुआ मेरे, उन्होंने नियर अबाउट हो गए 4 महीने तो, हो गए 5 महीने। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं होया जी। की कहना चाहोगे समाज नूं, तुसी एक वधिया सुनिया दे रहे हो कि बच्चों नूं पढ़ाया जाए, सिक्ख्यात करन दी कितनी जरूरत है, क्योंकि बच्चे सिक्ख्यात होणगे उहनां दा वधिया भविख होएगा। सरकारां दे अग्गे भी तुसी अपनी मंग रखी है, क्योंकि वड्डी जिम्मेदारी हुंदी है 65 बच्चों नूं पढ़ाना, उहनां दी जिम्मेदारी चकना, फिर चाहे वह स्टेशनरी होवे, किताबां होए, यूनिफॉर्म होए, की सुनिया की देना चाहते हो समाज नूं, जो सज्जन लोग हुंदे ने, दानी लोग हुंदे ने, वह कई बार हैल्प भी करना चाहते? मैं जिहड़े भी सज्जन दानी हैगे पुरुष, मैं उहनां नूं इक्को गल कहना चाहूँगी कि जे मैं समाज के रह के इन्हों गरीब बच्चों की हैल्प करना चाहनी हैगी हाँ, तो मैं चाहूँगी कि भी जेड़े भी हैल्प करना चाहते हैं इन्होंने गरीब बच्चों का जरूर हैल्प करन, क्यों इन्हों का कोई करन वाला नहीं है, ना सरकार इन्हों की पुछती पई है, तो ना इन्हों के पेरेंट्स इस लायक है कि बच्चे स्कूल भेज सकन, ईवन सरकारी स्कूल भी नहीं भेज सकते, ता करके मैं आप पढ़ानी हाँ। तो मैं चाहनी हाँ भी जेड़े भी दानी सज्जन है जो कुछ भी दान करना चाहते हैं तो बेझिझक स्कूल वास्ते कर सकते हैं। क्लासा की गल कर लिए तो कि क्लास तक तुम टीचिंग कर रहे हो? मैं नर्सरी तो लैके 5th तक करा रही, तो फिलहाल मेरे को इन्ने ही बच्चे ने है, तो मैं यही करती पी जो 5th वाले बच्चे कवर कर जाएंगे उन्होंने फिर किसी होर स्कूल दे विच सैटिंग कराऊंगी मैं। इदा हो चुका है तुहाडे कोलों पढ़ के बच्चे जो अगली क्लास के गए? नहीं, पहला 2 बच्चे सीगे वो हट गए, तो वो चले भी गए किसी होर प्राइवेट स्कूल से, क्योंकि वो थोड़े व्डे भी सीगे, तो मतलब 7th विच गए हूँ। हाँ जी, हूँ बाकी बच्चों का भी यही है, जेड़े बच्चे 5th कर लेंगे इन्हों नैक्सट 6th क्लास के किसी ना किसी स्कूल के जाके गल करके इन्हों की एडमिशन करवावे।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰੂੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 65 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਲ ਕਮਲ ਮੋਨੂ ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਬੇਦੀ, ਦਸਾਂ ਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਆਨਾ।